खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन जारी, जिसमें बतौर फ्यूल इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों को मसमार किया जा रहा है और फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उमर अशरफ मुगल का कहना था कि फैक्ट्रियों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होने वाली अशिया नहायत मोजरे सेहत हैं, लिहाजा इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पे बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे, टायर को, एल्कासीन को, चमड़े को, टाकियाँ भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो कतरे होती हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ की आवाम बहुत तंग है और इसके बड़े हैज़र्डस इम्पैक्ट हैं इंसानी सेहत पे। इस सिलसिले में हमने कैबिनेट सब कमेटी की डायरेक्शंस के तहत जो रिसोर्स रिकवरी यूनिट है जिनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उनको हमने आज डिमोलिश का ऑपरेशन शुरू किया है। जबकि दूसरी तरफ शहरी भी गर्द आलूद माहौल के खात्मा के लिए महकमा की इस कारकर्दगी से खुश दिखाई देते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो मस्बत चीज़ें हैं उनको भी उजागर करना चाहिए। और जहाँ पर आपने महकमा माहौलियात की बात की है इन्वायरमेंट के हवाले से, हमारा गुजरांवाला बहुत गंदा तरीन शहर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं और इन्वायरमेंट के हवाले से बेहतर माहौल जो है वो देने के लिए वो काम कर रहे हैं। माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए जिस तरह ज़िली हुकूमत और महकमा माहौलियात ऑपरेशन कर रही है, काबिले तहसीन है। ज़रूरत इस बात की है कि शहरी भी माहौल को आलूदगी से पाक करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। मुबशर हुसैन भट्ट, वामी रंग न्यूज़, गुजरांवाला।